गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आपको यहाँ पर जो ना ओपन कर लेना लाइट मोशन एप्लीकेशन। सिंपली गाइस यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड आपको गाइस जो मैं प्रेसेट दूंगा उसको आपको पहले एक्सपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट कर लेना है, वो भी गाइस आपको अपने लाइट मोशन ऐप के अंदर, ठीक है। इसका जो डाउनलोड लिंक है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर बीट मार्क प्रेसेट के अंदर एंटर करेंगे आपको इस तरीके का लिस्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पहले क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे ये जो फॉन्ट्स है वो आपको चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा साइड में लेके जाना है एंड जो साइज वगैरह वो भी आपको थोड़ा सा कम कर लेना है, ठीक है। और इसको अच्छे से एडजस्ट करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो यू लिखा आपको इसका ही फॉन्ट को चेंज करना है, ठीक है, एंड डन कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर देखो जो एक कलर है, एक ग्लो कलर है, आपको क्या करना है यहाँ पर इस कलर को ऐड करना है। जो भी कलर आपको रखना है वो कलर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे मैं रेड रख लेता हूँ, ठीक है, और ये हाइड रहेगा, इसको मैं अनहाइड कर देता हूँ। एंड अभी आप देख सकते हो यहाँ पर टेक्स्ट पर एक कलर आ रहा है। तो ऐसे ही आपको इन दोनों लेयर्स के अंदर आपको सिंपली कलर पर सिलेक्ट करना है, जो भी कलर आपको रखना है, एंड हाइड रहेगा इसको अनहाइड कर देना, ठीक है। कलर आ गया। तो ऐसे ही आपको तीनों लेयर्स पे ये जो स्ट्रिप्स वाला ऑप्शन है आपको इसे ऑन करना है एंड अपने पसंद का कलर सिलेक्ट करना है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर इतना हो चुका है। अभी उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड वाले को यहाँ पर ऐड करना है, इसको जाना है यहाँ पर इस लिस्ट पर एंड इसको आपको ऑन करना है एंड जो भी कलर आपको इसे ऐड करना है एंड इस पर भी इस आपको ऐड कर लेना, ठीक है। जो कलर आपको बेटर लगता है आप उस कलर को ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैंने इस ऑप्शन को यहाँ पर ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, अपनी फोटोज़ ऐड करना, आपको ऐड इमेज लिखा हुआ आपको इस पर क्लिक करके अपनी इमेजेस को ऐड करना है, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, स्टार पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर सारी इमेज आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कोई भी इमेज आपको पसंद आती है आप उस इमेज को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं स्टार पर जाता हूँ एंड यहाँ से कोई भी इमेज को मैं सेलेक्ट करता हूँ, जैसे इसको एंड प्लस कर दूंगा, ये हमारी बैकग्राउंड इमेज ऐड हो चुकी है। एंड उसके बाद हम ऊपर वाली इमेज रखना चाहते हैं आप उस इमेज को ऐड करना, ठीक है। आप चाहे तो सेम इमेज वही सेम इमेज रख सकते हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट इमेज आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग इमेज ऐड किया हुआ है, तो इसको हमने ऐड कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर फोटोज ऐड करना, जितने आपको जो ग्रुप रहेगा आपको यहाँ पर सिंपली ऐड इमेज ऑप्शन मिलेगा, आपको फोटोज को ऐड कर देना है। इससे ज़्यादा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देखो एक बार आपको यहाँ पर फोटो ऐड करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, प्लस पर जाएंगे, कलर पर जाएंगे और यहाँ से फोटो ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। और इसके सबको सेंटर में करना भाई, आप इसे परफेक्टली सेंटर में भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, तो यहाँ पर आपका टेक्स्ट का काम हो चुका है, आपका जो भी मतलब ग्रुप रहेगा उसमें आप फोटोज ऐड कर चुके। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर फोटो ऐड करना अलग से। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ सर यहाँ से मैं जाता हूँ, मैं डाउनलोड कर रखा हुआ है, तो यहाँ से हम फोटो ऐड करेंगे और फिल स्क्रीन कर लेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको वन बाय वन बैक टू बैक सारे फोटोज ऐड कर लेना है लास्ट तक का, ठीक है। ये हमारे ऐड हो चुकी है। ऐड होने के बाद अभी आपको इस पर इफेक्ट अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से आएंगे बैक इफेक्ट के अंदर जाएंगे और इन इफेक्ट्स को मैं कॉपी कर लूँगा। और इफेक्ट कॉपी करने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, ये जो जितनी आपकी फोटोज है ना, अभी हमने जो ऐड किया वो अलग से आपको इन सभी पर पेस्ट करना है सभी पर, ठीक है।
तो सारी फोटोज़ के अंदर इस इफेक्ट को अप्लाई कर लेना है आपको। उसके बाद आपको सिंपली ये करना है, यहाँ पर एक और काम करना है आपको, यहाँ तक का जाना है और यहाँ से आपको सिंपली से करने का एक हैप्पी बर्थडे वाला पीएनजी एंड बॉर्डर पीएनजी, इन दो पीएनजी को ऐड करना है। ये आ गया, इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे बढ़िया से और इसको लास्ट तक का इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेम पीएनजी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरीके से और ये सेट हो जाएगा, इसको भी लास्ट तक का रख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा स्टेटस है वो यहाँ पर लगभग रेडी हो चुका है। उसके बाद आपको वीडियो को सिंपली एक्सपोर्ट करना है और आपको जो हैप्पी बर्थडे वाला स्टेटस है वो रेडी हो गया है। अभी आपको सिंपली वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है।